नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है सबको मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सारा गाजियाबाद का पीनू। हमारे साथ है आज वैशाली का सनसनी। तो अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो गया हूँ। आज मेरा भाई का यूटी है। दुआ करो आप सब कि मेरा यूटी अच्छा जाए भैया। सेक्टर बन गया नहीं सेक्टर। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाया है। ब्रेकफास्ट का खाना ही है अरबी की सब्जी। हाँ बहुत बढ़िया खानी चाहिए अरबी। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अरबी। तो अभी लाइट चली गई है और हमारे पीनू जी लाइट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लाइट जाने से, क्योंकि इनकी क्लास में इनका कोई रेसिटेशन था, मतलब पोएम सुनानी थी, उसके मार्क्स लगने थे। तो लाइट जाने के कारण पीनू जी यहाँ नहीं कर पा रहे। उनके इनके इनके मोबाइल का जो डाटा है वो चल नहीं रहा। मतलब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने क्लास में ज्वाइन करी, टीचर ने सुनी भी, लेकिन मैम बोल के वॉइस कर दी। तो मैंने अपनी क्लास टीचर को मैसेज डाल दिया, मैम आप मेरा कल रेसिटेशन ले लो अगर पॉसिबल है। हाँ भाई सही बात है, वॉइस अब नेटवर्क नहीं चल रहा है, हमारी का गलती है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, यू कैन। सही बात। ये हमारा यूटी है, जाने से पहले सोचा थोड़ा रिवाइज ही कर लें। तुम रिवाइज कर रहे हैं? तो करीबन आधे घंटे से लाइट जा रही है, वापस आ रही है, जा रही है आ रही है। पता नहीं था लाइट को क्या हुआ। 11:30 बज चुके, आई मीन एक घंटा हो गया है ना मम्मी। 10:30 से गई थी ना लाइट, आ रही है, बस यही हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया लाइट को। तो आपसे मिलते हैं जब भैया आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सनसनी को खिलाने चले जाऊँ, आधा घंटा कुछ काम तो है। देखो सनसनी तुम्हें क्या दिक्कत है? तो आप मिलते थे सनसनी को खिला लेंगे। तो अभी हम निकल रही हैं ट्यूशन के लिए। चलो आज ट्यूशन थोड़ा लेट ख़त्म होगा मेरा। मैं कम से कम 8 या 8:30 बजे तक ट्यूशन से आऊँगा, ठीक है? अब मैं सबसे मिलता हूँ ट्यूशन से आने के बाद। मैं सही सलामत घर पहुंच गया हूं। मैंने पापा को कॉल कर लिया था, अभी बज रहे 8:15। मैंने आपसे क्या कहा था, 8:15 बजे छूटूंगा। अभी अभी घर में घुसा हूं ना, नेट बंद था, अभी वाईफाई से कनेक्ट हो गया तो सब बज रहे हैं। तो पापा को फ़ोन कर दिया था, पापा लेने आ गए थे। हम मेरे को पहले पापा ने पिकअप करा, फिर हमने दूध लिया, दही लिया और अब आए। चलो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, फिर मिलूँगा। तो अभी रात में मैं और पीनू निकले हैं एनी को घुमाने, और एनी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस टाइम पे। आज शाम को पीनू खेलने नहीं गया इसके साथ, इसलिए इतना वो हो रही है। गया तो था। बाइक आ रही है, नहीं साइड हो जाओ। चलो साइड साइड, नो एंट्री। तो हम इसे खिला लें, उसके बाद घर चल के मिलेंगे। देखिए रात के 10 बज चुके हैं, तो? लेकिन इन दोनों को अभी तक नींद नहीं आ रही है। आपको टाइम देखने नहीं आता, नर्सरी क्लास में जाओ। 10:30 बज रहे हैं। तो 10:30 बज रहे हैं और इन दोनों को बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मम्मी और पीनू को। तो आप ब्लॉगर आ रही है, पर लेकिन ये जो हमारे सुपुत्र हैं, अगर मैं आप सबको पीनू की एक गहरी सच्चाई बताता हूँ जो सिर्फ हम घर वालों को ही पता है। नहीं नहीं, जो सिर्फ हम घर वालों को पता है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे छोटे छोटे भ्राता हैं प्रियान शर्मा, इन्हें मम्मी के बिना नींद नहीं आती है। अभी मम्मी यहाँ पे मेरे साथ बैठ के कुछ बात कर रही थी और ये अंदर चुपचाप से जाके लेट गया था। 10 मिनट हुए मुश्किल से हमें यहाँ बैठे हुए, कैसे मैं 10 और हो गया था। और ये उस कमरे से आ गया देखने की मम्मी और भैया क्या कर रहे हैं। ये मुझे मेरे साथ ही चुपक के सोता है, मतलब 5th क्लास में आ गया, फिर भी इसे माँ चाहिए सोने के लिए बगल में। बोलते तूने 6 साल, तूने अब तेरा 12 साल होने वाला, 12 साल के बाद मैं 12 साल से मम्मी के पास सोऊंगा पूरे 12 साल। मम्मी मेरे से कह रही है, मम्मी मेरे से कह रही है मुझे माँ नहीं चाहिए, मतलब पूछ रही है तुझे माँ नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ सच्चाई, मुझे चाहिए माँ। अब मैं इनसे बोलता हूँ मेरे पास आके सो जाओ, लेकिन ये जो है, ये शख्स जो है, ये प्रियान शर्मा जी जो है, ऐसे शक्तिमान बन के पहुँच जाते हैं कहीं भी। शक्तिमान ऐसे नहीं होता, ऐसे तो चिड़िया। हाँ तो चिड़िया बन के कहीं भी पहुँच जाते हैं पीनू, कि नहीं हम भी सोएंगे मम्मी के साथ। शक्तिमान सबको माँ का प्यार चाहिए होता है यार। मैं भी तो छोटा सा ही बच्चा हूँ। मेरा बच्चा, अरे मेरा सोना लाला, अरे बीच में ये देखो देख 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 लो
इस छोटे से बच्चे के लिए जरा एक सब्सक्राइब कर दो, इस जल कुकड़े के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज प्लीज। जल कुकड़ा बोला मुझे। अब बारी है इस ब्लॉग को एंड करने की। अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप बेल आइकन पर अगर आप उस बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे कल सुबह एक नए तड़कते ब्लॉग के साथ।